أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر

रमज़ानबारक का ये साल जिस अंदाज़ में हम लोग गुजार रहे हैं ये एक अजीब रम़ानुबारक की कैफियात से हम लोग गुज़र रहे हैं ये साल हमारे लिए एक तरह से एक यादगार साल रहेगा इसलिए कि एक तरफ़ जहां हम खुश हैं अपने अपने घरों में इबादतें कर रहे हैं वहीं दुख इस बात का है कि अल्लाह के घर जहाँ पर हमारी एक बड़ी भीड़ और एक जम गफ़ीर पांच वक्त की नमाज़ों के अंदर रहा करती थी मस्जिदें इन दिनों के अंदर तंग दामनी का शिकार हुआ करती थी शिकवा शिकायत करती थी आज हालत ये हुई है कि मस्जिदें खाली पड़ी हुई है मस्जिदें एक तरह से वीरान हैं और अल्लाह के घर जो है वहाँ पर जिस अंदाज़ में रमज़ानुमारक में इबादतें हुआ करती थी हर साल इमसाल अल्लाह के वो घर खाली है इसलिए इस वक्त में पूरी उम्मत मुसलिमा एक तरह से गम और अफसोस में मुबला है कि यह हमारा रमज़ान खाली खाली गुज़र रहा है दो अशरे मुकम्मल हो चुके हैं और हम लोग अब तीसरे अशरे के अंदर भी दाखिल हो चुके हैं तीसरे अशरे में दाखिल होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे और ख़ुसूसन वो रातें जिनको ताक़रात के नाम से याद किया जाता है उन रातों के अंदर उम्म मुस्लिमा जहाँ जागती है वही नबी पाक सी तलीमत भी यही है कि हम ताकरतों में जाग कर अल्लाह तबारक व तआला को मनाएं अल्लाह तबारक व तआला से तोबा व इसतफ़ार करें अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएँ मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों इस वक्त में एक बेहतरीन मौका अपने हाथ आया है कि हम लोग आखिरी अशरे को गनीमत जाने बीस दिन इस हालत के अंदर इतने तेज़ी से गुजर गए कि हमें पता भी नहीं चला लेकिन अब जो दस दिन बाकी रह गए हैं दस अयाम जो बाकी रह गए हैं और दस रातें जो बाकी रह गई हैं इन में पाँच रातें तो वो रातें हैं जिनको जो है हम लोग ताक रातों के नाम से जानते हैं और उन ताक रातों में आज पहली ताक रात इक्कीसवीं शब हैं मैं उम्मत मुसलिमा से खूसा या गुजारिश करूँगा कि वो इन हालात के अंदर इस मोहलिक बीमारी से बचने के लिए इस मोहलिक वबा से बचने के लिए इस ख़तरनाक आजमाइश और मुसीबत और परेशानी से बचने के लिए आज की रात अल्लाह तबारक व ताल से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत से सारी इंसानियत को नजात दे दे। पता नहीं क्या हैं कैसे हैं इस बीमारी की हकीकत क्या है लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं जो बातें कही जा रही हैं जो बातें बयान की जा रही हैं या जो बातें बतलाई जा रही हैं उन बातों से पता ये चलता है कि ये बीमारी नहायत महलिक बीमारी है ये बीमारी नहाय ख़तरनाक बीमारी है और इसका इलाज देखिए एक बात जहन में रखें कि जो मुसीबतें जो परेशानियां ज़मीनी हुआ करती हैं उसका इलाज ज़मीन वाले किया करते हैं लेकिन जब कोई मुसीबत जब कोई परेशानी जब कोई आजमाइश आसमानी हुआ करती हैं तो उसका इलाज आसमान के तरफ़ से हुआ करता है और ज़मीन वाले जब उसके इलाज से बेबस हो जाते हैं तो आसमान वाला उसका इलाज कर लेता है खाल के मालिक दो जहां उसका इलाज कर लेता है इसीलिए हम तमाम को ये चाहिए कि हम इन हालात के अंदर ज़मीन वालों से जमीन वालों से, से उम्मीदें ज़मीन वालों से जो है आस तमाम के तमाम मुन करें और आसमान वाले की तरफ अबीन अपने निगाहों को जो है बुलंद करें अपने हाथों को आसमान वाले की तरफ उठाएं और उस आसमान वाले से कहें कि रब करीम हम परेशान हैं हम इस मुसीबत से परेशान हैं और हम तेरे घर में भी नहीं आ सक रहे हैं इन हालात की वजह से ए रब करीम तू हमको इस मुसीबत से नजात दिला दे तू हमको इस परेशानी से नजात दिला दे मेरे भाइयों हो सकता है कि हम इन खूस अयाम के अंदर जो जो है आग से खुलासी का ये जो महीना है और आग से खुलासी वाला ये जो अशरा है मगफ़रत वाला रहमत वाला और जहन्नम से नजात वाले ये जो दिन चल रहे हैं इन हालात के अंदर अगर हम अल्लाह जल, जल जलामालू से इन हालात में मुसीबत के परेशानियों के दूर होने के लिए दुआएं करेंगे गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह की जात से उम्मीद है वो खालिक और वो मालिक सत्तर साल के बूढ़े इंसान से जब वो जो है सत्तर साल गुनाहगारी की ज़िंदगी के बाद तोहबा करता है तो अल्लाह जल्ले जलाु ममां नवाल उससे कहते हैं कि मेरे बंदे आ जा तू जो है रात की तनहाई में आकर अगर मुझसे माफ़ी मांगेगा मेरी इज्जत की कसम मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा तो दिन की रोशनी के अंदर आकर मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा गिड़ गिड़ाएगा मेरे सामने सजदा सजदारेज़ होगा तो मैं तेरे सारे गुनाहों को ख़त्म कर दूंगा मेरे भाइयों इस वक्त में हम आजमाइश के दौर से गुज़र रहे हैं आजमाइश हालात से गुज़र रहे हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन हालात के अंदर अल्लाह अल्लाजाल वालु से दुआ करें कि ए अब करीम हमें इन हालात से नजात दिला दें भुकमरी इंतहाई जो है इन हालात के अंदर बढ़ चुकी है और ऊपर पहुँच चुकी है लोगों के घरों के अंदर जो है खाने पीने के मसाइल हैं पता नहीं कितने लोग जो हैं रोज़ा इनके लिए जो है रोज़ा रखने के सामान मुहैया है, है या नहीं है हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब करीम तमाम इंसानियत के लिए जो है रिस्क का इंतज़ाम फरमा दीजिए और तमाम लोगों के लिए जो है रोजी रोटी के इंतज़ाम मुहैया करवा दीजिए वो खालिक ही है वो मालिक ही है जो तमाम की ज़रूरिया पूरा करने वाला है दुनिया वाले और बंदों के बस में ये बात नहीं है कि वह हर एक तक जो है उसके रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करवा दें वो अल्लाह हब्बुलमी हैं जो तमाम लोगों के तमाम रोज़ियों का इंतज़ाम करने वाला है मेरे भाइयों मैं फिर आख़िर में जो है यही दरख्वा करूँगा कि आखिरी अशरा बाकी रह गया है इन हालात के अंदर जो है बेहतरीन मौका अल्लाह तबारक व ताली ने हमको ये दिया है कि हम अपनी पूरी फैमिलियों को जो है अल्लाह की तरफ रजू करवाएँ हम अपने बच्चों को जो है अल्लाह जले जलामानवाल की याद दहानी कराए हम अपने जो है तो फैमिलियों में इस बात का डर इस बात का खौफ बिठाएं कि ये वबाएँ ये मुसीबतें ये परेशानियाँ जो आ रही हैं ये सब अल्लाह की तरफ से आ रही हैं और इन हालात के अंदर हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें हम अल्लाह से तोबा करें हम अल्लाह से इस्तफार करें अगर हम अल्लाह से तोबा व इस्तफ़ार करेंगे और इन हालात के अंदर अपने घरों में रहकर अल्लाह को मनाने की कोशिश करेंगे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है वो खालिक और वो मालिक सत्तर माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मेरा पालन हार रब अल्लाह से उम्मीद यही है कि वो पालन हार रब हमारे तमाम कोताहियों को, को माफ़ करेगा और इस वबा से जो है हमारी हिफाजत भी करेगा फिर आखिर में एक दरख्वास्त ये है कि इन हालात के अंदर जो है हम जैसे जो है सादगी के साथ रमज़ान लबारक के दिन गुजार रहे हैं ऐसे ही सादगी के साथ हम ईद भी मनाएं ऐसे भी सादगी के साथ जो है हम किसी तरह की जो है ख़ुशियाँ ना हो इसलिए कि रमजान मुबारक का महीना जिस खुशियों के साथ हम गुजारा करते थे आज वो तमाम के तमाम खुशियाँ एक तरफ रह गई हैं इसलिए अगर हम जो है इन हालात के अंदर जब हमारी तमाम के तमाम लोग परेशान हाली का शिकार है मुसीबतों का शिकार है हमारे हमारे घरों में हमारे अड़ोस पड़ोस में पता नहीं कितने लोग जो है भूख और प्यास की वजह से परेशान हाल रह रहे होंगे इन हालात के अंदर हमें यह चाहिए कि हम उनके गम में शरीक हो हम उनके दुख दर्द में शरीक हो हम इस मोहलिक बीमारी के अंदर जो है लोगों को और सारी इंसानियत को यह बतलाएं कि हम जो है इन हालात में आपके साथ हैं हम अपनी खुशियां नहीं मनाएंगे हम जो है इन हालात में जो है उन लोगों के साथ रहेंगे जो बीमार है जो परेशान हाल है जिनके घरों से जो है जनाजे निकल रहे हैं हम उनकी ग़म खारी करेंगे हम उनकी हमदर्दी में शरीक रहेंगे अगर हम इस तरह के जो है तो अमल से लोगों को जो है वह बतलाएँगे और इस तरह का अमल करके लोगों को आगाह करेंगे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारा ये अमल सारी इंसानियत के लिए जो है एक रोशन पैगाम रहेगा एक बेहतरीन सीरत रहेगी कि उम्मत मुसलिमा इतना बड़ा त्यौहार इतनी बड़ी ईद की खुशियाँ उसको जो है बीमारी के खातिर कुर्बान कर दिया है आखिर में हमारा यही पैगाम है और खसूस शहर यानी नांदेड़ से जो है यह अपील है कि आप इन हालात के अंदर बाहर न निकलें अपने घरों के अंदर रहें अपने घरों के अंदर रहकर इबादतें ज्यादा से ज्यादा करें अल्लाह से दुआ हैं अल्लाह कहीं सुनी बातों परमल की तोफीक नसीब फरमाए उमा तोफ़ी